अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को मेरे YouTube की तरफ से। और मैं एक नया वीडियो आज लेकर आया हूँ जो आप लोग के लिए। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जी दोस्तों, जो लोग दुबई में काम करते हैं या दुबई में आके ड्राइविंग लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो उसका रूल क्या क्या है, मैं आज सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 17 प्लस होनी चाहिए। अगर 17 है या 17 के अंदर है तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। और आपके पास दुबई में रेसिडेंट वीज़ा होना चाहिए, विजिट वीज़ा वाला लोग को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग रेसिडेंट वीज़ा है तो आप लोग आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। अगर विजिट वीज़ा है तो सबसे पहले उनको आज़ाद वीज़ा लेने होगा या फ्री लॉन्चर वीज़ा लेने पड़ेगा, तब उनको फिर लाइसेंस मिल सकता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए NOC चाहिए था आपका कंपनी का, मगर अभी NOC नहीं चाहिए, अभी सिर्फ मेडिकल होना चाहिए। अब मेडिकल में आपको सिर्फ ITS कराने पड़ेगा। जब आपका फाइल ओपन हो जाएगा तो फाइल ओपन होने के बाद फिर आपको एडमिशन कराने पड़ता है। एडमिशन कराने के बाद फिर आपको एक थ्योरी मिलता है, एक प्रैक्टिकल मिलता है। जो थ्योरी जो होता है वो 8 दिनों का होता है। उसमें आपको रोड का साइन बोर्ड के बारे में बताया जाएगा और ट्रैफिक रूल के बारे में बताया जाएगा। और ये जो क्लासेस होता है ये टोटल 8 डेज का क्लास होता है, जिसमें आपको एक ही दिन में पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में बुलाया जाएगा, तो उसके आपको क्लासेस में साइन बोर्ड के बारे में बताया जाएगा और ट्रैफिक रूल के बारे में बताया जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ रूल को आपको फॉलो कैसे करना है गाड़ी चलाने में, तो उसका आपको बताया जाएगा। और ये इसके बाद बताने के बाद फिर आप दूसरा दिन जो है एग्ज़ाम होगा। दूसरा दिन जो एग्ज़ाम में आपका 40 नंबर का मार्क्स होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए, जो आसानी से पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद पास हो जाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल में फिर आपको गाड़ी में बैठाया जाएगा, आपको स्कूली में ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा होता है कि आपको लगेगा नहीं कि ये स्कूल है या रोड है। आपका ट्रेनिंग जो क्लास जो है रात में भी होता है और दिन में भी होता है। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, उसमें आपका 2 घंटे 1 घंटे का क्लास रहता है। आप जब रोड पर गाड़ी चलाइएगा तो आपका जो ट्रेनर जो रहेगा आपको पूरा बताएगा कैसे लेंथ को चेंज करना है, कैसे ट्रैफिक में रोकना है, आपको सब बताएगा। आपको ध्यान देने होगा पॉइंट टू पॉइंट। आपका अगर स्कूल में फिर आपका जब ड्राइविंग का जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम आता है वो होता है पार्किंग का। अब पार्किंग का जो टेस्ट होता है बहुत ही आसान होता है, जो मैं फर्स्ट टाइम में पास कर लिया, क्योंकि मैं कभी स्टेयरिंग नहीं पकड़ा था, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम में मैं पार्किंग टेस्ट पास किया। वो कैसे पास किया, वो जो बताते हैं ना ट्रेनर, तो उसको आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा किस तरह से हमको गाड़ी में कितना एंगल से टर्न लेना है और कितना एंगल से बैक लेना है। तो इसी तरह से अगर आप पॉइंट याद कर लीजिएगा तो आसानी से आप लोग पार्किंग पास कर सकते हैं। ये तो था पार्किंग का, मैं आपको बता दिया। अभी जो बताने वाला है मेन जो फाइनल टेस्ट जो रोड पर होता है वो मैं बताने वाला। इसमें अभी रोड में जो टेस्ट होता है इसमें आपको पहले बाहर से भी ट्रेनिंग लेने पड़ेगा। जैसे जिस तरह से नॉर्मल जो गाड़ी चलता है उसी तरह से आपको बाहर में पहले गाड़ी का ट्रेनिंग लेने और फिर आपको बाहर में ट्रेनिंग लेने पड़ेगा। वो बाहर में ट्रेनिंग कैसे लेना होगा, जिस तरह से जो गाड़ी जो चलता है रोड पे नॉर्मल उसी तरह से आपको बाहर में गाड़ी चलाना पड़ेगा। वो आपको दूसरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका आपको 1 घंटे का 60 दिरहम देने पड़ता है गाड़ी वालों को। वो आपको 20 क्लास या 10 क्लास करने पड़ेगा। करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब आपका बाहर से मुकम्मल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर सब स्कूल में जाके आपको फाइनल टेस्ट का डेट लेना होगा। और जिस दिन फाइनल टेस्ट रहेगा उस दिन आपका सुरता लेंगे आपका फाइनल टेस्ट, उस जिनको बोलते हैं पुलिस। तो आपको सबसे पहले सीट में बैठने के बाद आपको सीट को एडजस्ट करना है। सीट को एडजस्ट करने के बाद मिनर होता है उसको एडजस्ट करना है, उसके बाद सीट बेल्ट को लगाना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको गाड़ी को चलाना है। अब गाड़ी जो चलाइएगा आपको स्पीड रखना है 120 या 100 के अंदर रखना है। और सबसे बड़ा बात वो होता है यहाँ पर का राउंडअबाउट को उसको आप देखना पड़ेगा। उसमें आपको 30 से 40 का स्पीड चलाना पड़ेगा। अगर 20 से 30 का स्पीड रहेगा तो आपको फिर से बोलेगा चलाने के लिए या तो फिर आपको फेल कर देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है राउंडअबाउट में, ठीक है। ये तो राउंडअबाउट तो फिर भी थोड़ा आसान होता है। इसके बाद अगर आपका रोड में ज़्यादा रस मिला
तो फिर आपको चेक करने, फिर आपको श्रोता बोलेंगे कि इसमें लाइन चेंज करो, तो आपको चेक, आपको लाइन चेंज करने से पहले आपको मिनर को चेक करने पड़ेगा कि पीछे में कोई गाड़ी है या नहीं है, उसके बाद करने का है या नहीं करने का, इसलिए कि श्रोता आपका नॉलेज को भी चेक करते हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप चेक करिए कि नहीं हमको लाइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो फिर आप श्रोता भी समझ जाएगा कि इसको आता है गाड़ी अच्छे से चलाने, तो इसी तरह से आप पास हो जाइएगा। ये ज़्यादा देरी का होता नहीं है, ये मैक्सिमम 5 मिनट का टेस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा टेस्ट होता नहीं है, फिर आप आसानी से लेसन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा बताने का आप लोग को तरीका, जो किस तरह से आप आराम से लेसन ले सकते हैं। ये कोई रॉकेट या साइंस नहीं है जो आप नहीं ले सकते, पर आप कोशिश करिए तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।